लिया नहीं। बस सारी खराब हो गई हैं। कैसे खराब हुई है? मीह बहुत बहुत हुई, पानी की तर दिए थोड़े सामने। कितने की दान होगी? हाँ जी, कितने कीमत की दान होगी? जो होएगी 2.5 लाख की। किस वजह से हुआ है ये नुकसान? जो बरसात की वजह से हुआ। तो खरीद नहीं हुई? खरीद तो दा होती थी, बोरिया पै जी, बोरिया तो पी नहीं। तो आड़ती क्या कर रहे हैं? आड़ती तो बस की गल नहीं, आड़ती क्या कहूँगा, आड़ती तो बस की होंगी फिर ज़्यादा कुछ कर लेंगे। तो मार्केट कमेटी वालों से बात किया आपने? कोई बात नहीं करी, कौन सुनता ना, कोई आंदा ही है। तो इसको पालते हैं, परोसते हैं, शुरू से बचपन से बीज बोते हैं और यहाँ आके मंडी में स्टॉक आती है, कंबाइन से काट के सुखा के भी लवा, फिर भी तो हमें यहाँ सुखानी पड़ती है। सुखाने के बाद फिर बच्चों की तरफ पाल के इसको, ये हाल देखो। तो सरकार जी कितना खर्चा आ जाता है इसके खेती के लिए? ये देखो दान पे कितना खर्चा आ जाता है? ये हाल देखो, कोई आए जाता 18-20 हज़ार के करीब, एक किले के 20,000 रुपये किलो, 20 हज़ार के करीब। तो ये हाल किस वजह से हुआ है? बरसात की वजह से। कुछ प्रशासन है, गवर्नमेंट नहीं, तो पहले कह रही 25 तारीख को खरीद करेंगे। हाँ। अब तो पहली को शुरू खरीद। तो क्या रखाव के लिए जगह नहीं है यहाँ पे? किसके यहाँ इतने का शेड बड़े हैं, इनमें गेहूँ है लगी पानी। ये भी गेहूँ भी बिक गया यहाँ? नहीं, गेहूँ का बिक नहीं, पहली नूठी भी आती गेहूँ। अब जो अप्रैल में गेहूँ खरीद करी, सारे शेड बड़े बड़े। ये मतलब ये सरकार की तो सारी सेफ है, लेकिन किसानों की सेफ नहीं है? नहीं, किसानों की सेफ कहाँ होती है? इसकी सेफ तो हो नहीं सकती, क्योंकि इन्हें सुखानी भी है, वो भी करनी है, तुलने बाद फिर अभी 1 तारीख के बाद सरकार लेगी इसको। तो इसमें मार्केट कमेटी और प्रशासन की लापरवाही है? सब कोई कुछ नहीं कर सकता जी, कोई कुछ नहीं।